ये हैं हमारी टीम और हम सब मिलकर चोरी करेंगे। इसके बाद कोरिना उन्हें तीन लोकर की लोकेशन और उनके बारे में कुछ जानकारी देती है, जिसमें पहला लोकर जो कि पेरिस में है, जिसे खोलना थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम है, और दूसरा लोकर जो बराक में है, जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है। और अब बारी आती है तीसरे लोकर की जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल है, पर इस लोकर में कम से कम $100 मिलियन है। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में बताती है जो उन तीन लोकर का मालिक था। तभी ब्रैड बोलता है कि अगर किसी को पकड़े जाने का डर है तो कुएं में कूद कर मर जाना, पर इस आदमी के हाथ मत आना। इसी के बाद वो सभी पेरिस को रवाना हो जाते हैं। पेरिस पहुंचने के बाद जब बैंक के बाहर खड़े होते हैं तो वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वही गाड़ी में सेबेस्टियन को प्लान समझा रहे होते हैं और फिर उसे बैंक में भेज देते हैं, पर सेबेस्टियन बहुत डरा हुआ होता है और वो अंदर जाते ही बैंक के वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ गवेंडलिन आती है जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड को अपना सामान